23 अगस्त 2020, दिवायर न्यूज के मुताबिक आसाम में बीजेपी के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार हो सकते हैं साबिक सीजीआई रंजन गोगोई। आसाम के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा तरुण गोगोई का कहना है कि उनके जराए के मुताबिक रंजन गोगोई का नाम अगले असेंबली इंतखाब में बीजेपी के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवारों की फहरिस्त में है। रियासत आसाम में 2021 में इंतखाब होने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तरुण गोगोई ने सैटरडे को साफियों से बात करके इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राज्यसभा एमपी बन सकते हैं तो वो आसाम में बीजेपी के अगले मुमकिना वजीर आला उम्मीदवार के तौर पर भी राजी हो सकते हैं। गोगोई ने ये भी कहा, ये सब सियासत है। बीजेपी अयोध्या राम मंदिर मामले में फैसले को लेकर रंजन गोगोई से खुश थी। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा में नामजद करके धीरे धीरे सियासत में दाखिल किया। उन्होंने राज्यसभा की रुकनियत से क्यों इनकार नहीं किया? वो आसानी से ह्यूमन राइट्स कमीशन या किसी दिगर राइट्स से मुतालिक तंजीम के सरबराह बन सकते थे। उनके सियासी अजायम थे, इसलिए उन्होंने राज्यसभा की रुकनियत कबूल की। आसाम के साबिक वजीर आला ने कहा कि वो आसाम में कांग्रेस के अगले मुमकिना वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार नहीं बनने जा रहे हैं। वो बीजेपी को इख्तदार से उखाड़ फेंकने के लिए बदरुद्दीन अजमल की कयादत वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट लेफ्ट और इलाकाई पार्टियों के महागठबंधन की वकालत कर रहे हैं। तरुण गोगोई ने कहा, मैं रियासत का वजीर आला नहीं बनने जा रहा, मैं एडवाइजर या सलाहकार के तौर पर काम करना चाहूंगा।